नमस्ते, मेरा नाम है हिरण लाल पांडे और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो मेरे हिरण के क्रांतिकारियों, हमारे दूसरे शहर लुजरन में हमारा दूसरा दिन उग चुका है, लेकिन कल जैसे मैंने अपने वीडियो के माध्यम से इस शहर का नज़ारा तो दिखा दिया। स्विट्जरलैंड में शहर का आकार इतना छोटा होता है कि आप एक दिन में पूरा घूम सकते हो। तो आज मैं आज के अच्छे मौसम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से एक घंटे की दूरी पर स्थित यहाँ की राजधानी में डे ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। मेरे हिरण के क्रांतिकारियों, अभी मैं स्विट्जरलैंड की राजधानी जाने वाले ट्रेन में चढ़ गया हूँ। अभी तक चली नहीं है, इसको चलने में भी 5 मिनट का समय बाकी है। तो अभी पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं पहुँच कर आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। तो मेरे हिरण के छलों, अभी 1 घंटे के ट्रेन का सफ़र समाप्त करके स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न पहुंच गया हूं। यह राजधानी है लेकिन ज्यूरिख जितना फेमस है नहीं, क्योंकि शायद इसका आकार छोटा है और लोगों ने बोला था कि इस शहर को यानी कि ओल्ड टाउन को पूरा कवर करने के लिए आधा दिन ही काफ़ी है। तो मैं बस वो पैदल चलते वहाँ पर जा रहा हूँ और अभी लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं, मुझे भी उनके रास्ते में कांटा नहीं बनना। ये है स्विट्जरलैंड की राजधानी बेरन का फर्स्ट इम्प्रेशन। अभी जैसे आबादी तो बाकी सिटी जितनी इतनी है नहीं, और अभी मैं जिस दिशा में सीधे जा रहा हूँ इस दिशा से यहाँ का ओल्ड टाउन यानी कि पुरानी नगरी शुरू होगी। लो जी, यहाँ से शायद ओल्ड टाउन शुरू हो जाता है। और ये घंटे की आवाज़ जो कि कब से सुनाई दे रही है, ये मुझे लगता है इस टावर के ऊपर से आ रही है। अभी मैं ओल्ड टाउन के अंदर अपने वर्किंग कर रहा हूँ। और इस स्विट्जरलैंड में ना मैंने एक बार ये नोटिस किया कि हर सिटी का आकार इतना छोटा है कि यहाँ पे आने के पश्चात मैंने ट्रेन के अलावा ना कोई ट्रेम का इस्तेमाल किया, ना मुझे कभी बस में बैठने की ज़रूरत पड़ी, और ख़ास करके टैक्सी का इस्तेमाल करने की नौबत तो आई ही नहीं बिल्कुल। इस घंटाघर के सामने आ गया हूँ, कितना प्यारा नज़ारा है, लेकिन बस ये है कि सड़क इतनी है जितनी दिखाई दे रही है। और नगर में घूमने के बाद अभी मैं एक छोटे से प्यारे से मार्केट में आ गया हूँ। ये शायद क्रिसमस का मार्केट स्विट्जरलैंड के हर ज़िला दर ज़िला, शहर दर शहर, इसकी खुलने की तारीख अलग होती है यानी कि बंद होने की तारीख अलग होती है। और ऐसा लगता है कि बर्न का मार्केट अभी तक बंद नहीं हुआ। कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी प्यारा है, लेकिन मेरे सामने कुत्ता जिससे मुझे सबसे अधिक डर लगता है, मुझे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन स्विट्जरलैंड में चॉकलेट के अलावा शॉपिंग करने लायक मेरे लिए तो कुछ है नहीं, लड़कियों का पता नहीं। हाँ, यहाँ भी आ गया। इस सड़क पर हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इस तरह के ट्राम आती जाती रहती है, और कब आ जाए और कब तोका पीछे से ठोक के चला जाए अगर चौकन्ना ना रहा है तो पता ना चलेगा। और एक घंटाघर पार करते ही उसके अलग दिशा में एक और घंटाघर हमारा इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है, और उस टावर के सामने इतनी बड़ी सी जो घड़ी चिपकाई हुई है उसको देखकर सही में ये ज़्यादा घंटाघर की तरह लग रहा है। और हाँ जी, ये आ गया। हेलो, इस घंटाघर के उस पर आने पर नज़ारा कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पर एक चौड़ी सड़क शुरू हो जाती है। पीछे देखने पर आपको ये लो ऐसी एक चौड़ी खुली सड़क नज़र आएगी जो कि काफ़ी प्यारी है। वाह वाह वाह, इतनी खुली सड़क और आसपास के दोनों साइड के ये बिल्डिंग, एकदम टिपिकल यूरोप वाली फीलिंग आ रही है ना, टिपिकल यूरोप के। और इस गली में काफ़ी सारे एक एक करके प्यारे से फव्वारे लगे हुए हैं, कुछ में से पानी निकल रहा है और कुछ में से पानी नहीं भी निकल रहा, लेकिन फव्वारे को देखने का एक अलग ही मज़ा है। और हाँ, मेरे सामने एक और फव्वारा नज़र आ गया, मैं आप लोगों को अभी जस्ट दिखा देता हूँ। हाँ, सामने दिखाई तो अभी नहीं दे रहा है ना, गड्डी के सामने जो खम्बा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है यो फव्वारा है। पानी आ रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा, लेकिन कोल कोल करके पानी के बहने की आवाज़ तो अच्छे से आ रही है।
थोड़ा चढ़ने के बाद अभी जब मैं थक जाता हूँ तो स्विट्जरलैंड में बताएं, आपको पता है ना यहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है, बोलने की ज़रूरत है? यहाँ की अच्छी बात यह है कि एक तो बियर के प्रकार इतने ज़्यादा हैं और हर एक बियर का स्वाद अलग है, एक एक करके ट्राई करने में ना बहुत मज़ा आता है। ये लो जी खाना आ गया, टिपिकल स्विट्जरलैंड और जर्मन का जैसा खाना होता है, बियर, ब्रेड और मीट। आप सोचो मज़ा नहीं आएगा क्या इसका? बहुत मज़ेदार होता है। खाना और पीना समाप्त करके जस्ट बाहर निकला हूँ और मेरे पीछे वही फव्वारा है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, और अभी लगभग सूरज ढलने को आया है, लेकिन जब तक सूरज नहीं ढल जाता तब तक मैं पूरा क्षेत्र घूमकर ही वापस जाऊंगा। लो जी उस गली से बाहर निकलते ही एक और फव्वारा जिसके सामने ये प्यारा सा भवन के बाद इतना विशाल सा चर्च नज़र आ रहा है। चलो आगे बढ़कर देखते हैं ऐसा दिखता है चर्च का नज़ारा। आज आसमान भी बड़ा खूबसूरत क्यों लग रहा है। तो ये ओल्ड टाउन का अंतिम पॉइंट है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं होगा, बस यहाँ के लोकल लोगों की रहने की जगह होगी। तो बस यार अभी अंधेरा भी होने को है, मैं वापस चलता हूँ अपने होटल को और चॉकलेट की मुझे शॉपिंग जो करनी है। मेरे हिरन के दावेदारों, जाते जाते एक और अप्रत्याशित रूप से गली में घुस गया और इतना विशाल सा चर्च जो कि अभी निर्माणाधीन है, ये मेरा इंतज़ार करते हुए नज़र आएगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर है सही में। अगर हम सामने से देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है, बड़ा ही विशाल है। और जैसे जैसे शाम ढलने को आ रही है वैसे वैसे आसमान का रंग गुलाबी में बदलता नज़र आ रहा है। कितना रोमांटिक व्यू है, कितना प्यारा नज़ारा है। और जैसे ही शाम ढलने को आई ये पूरा शहर रोशनी में जगमगाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा नज़ारा है। वाह, तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। भले ही आज भीड़ तो दिखाई दे रही है लेकिन मुझे लगता है कि ये भीड़ भी एक या मैक्सिमम दो घंटे के अंदर सारे के सारे अपने घर चली जाएगी। तो मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।